उदाहरण 6, कक्षा 10वीं की टेस्ट परीक्षा में मोहन के गणित और विज्ञान विषयों में प्राप्तांकों का योग 28 है। यदि उसका गणित का प्राप्तांक पहले से 3 अधिक और विज्ञान का प्राप्तांक पहले से 4 कम हो जाए तो उसके दोनों विषयों के प्राप्तांकों का गुणनफल 180 हो जाता है। गणित और विज्ञान विषयों में मोहन के प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। हल, यदि मोहन को गणित में x अंक मिले, हो तब उसके विज्ञान विषय के अंक बराबर 28 ऋण x होंगे। जब मोहन को गणित में पहले से 3 अंक अधिक मिले तब उसको तब उसके गणित के अंक बराबर x धन 3 होगा और विज्ञान में पहले से 4 अंक कम मिले तब उसके विज्ञान के अंक बराबर 28 ऋण x ऋण 4 होगा, क्योंकि उसके गणित और विज्ञान के इन अंकों का गुणनफल 180 ये दिया है। इसीलिए x धन 3, जब मोहन को गणित से पहले से 3 अंक अधिक मिले तब उसके गणित के अंक x धन 3 है और विज्ञान में पहले से 4 अंक कम मिले तब उसके विज्ञान के अंक 28 ऋण x ऋण 4, इनका गुणांक हमारा 180 है।
गणित और विज्ञान के इन अंकों का गुणनफल 180 दिया है। इस तरह से प्रश्न अनुसार से इस तरह हुआ। या अब हम इसे एक्स धन 3 लिखेंगे और दूसरे कोष्टक को हल करेंगे, 28 में 4 को घटाएंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा, 24 ऋण एक्स बराबर 180। या इसको गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने के लिए हम पहले एक्स लेंगे और फिर 24 ऋण एक्स दूसरे कोष्टक को सामने लिखेंगे इसके, और फिर धन 3 यह वाला, और फिर 24 ऋण एक्स कोष्टक में लिखेंगे बराबर 180। या कोष्टक को खोलेंगे तो 24 एक्स ऋण एक्स की घात 2 धन 24 दिया 72, और 3 को ऋण एक्स से गुणा करने पर ऋण 3 एक्स बराबर 180। या ऋण एक्स की घात 2 और 24 एक्स और ऋण 3 एक्स बराबर धन 21 एक्स, और उस तरह से 180 का पक्षांतर हम करेंगे इधर, तो 180 का पक्षांतर करने पर हमें 72 ऋण 180 बराबर ऋण 108 प्राप्त होगा बराबर 0। आगे देखते हैं, पिछले पृष्ठ में हमने देखा था ऋण x की घात 2 धन 21 एक्स ऋण 108 बराबर 0। अब ऋण 1 को दोनों पक्षों में ऋण 1 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x की घात 2 ऋण 21 एक्स धन 108 बराबर 0। सूचित करता चिन्ह या 108 का हम गुणांक ज्ञात करेंगे जिसके जिसका योग ऋण 21 प्राप्त हो। इसके लिए हम मध्य पद ऋण 21 एक्स को तोड़ेंगे, तो तोड़ के हम इसे लिखेंगे x की घात 2 ऋण 12 एक्स ऋण 9 एक्स धन 108 बराबर 0। या पहले दो पदों में से x को उभयनिष्ठ निकालेंगे तो x ऋण 12 और यहाँ ऋण 9 का उभयनिष्ठ निकलेगा तो x और 9 12 निया 108 तो ऋण 12 बराबर 0। या x ऋण 12 और इसको हम उभयनिष्ठ निकालेंगे दोनों पद से x ऋण 12 तो हमें शेष बचेगा दूसरे कोष्टक में x ऋण 9 बराबर 0। या x ऋण 12 बराबर 0 या x ऋण 9 बराबर 0 या ऋण 12 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हमें 12 प्राप्त होगा, या ऋण 9 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान हमें 9 प्राप्त होगा। जब x बराबर हम 12 लेंगे तो हमारा जो प्राप्तांक है 28 ऋण x, गणित विज्ञान विषय के अंक 28 ऋण x है, इसमें हम x का मान 12 रखेंगे तो 28 में 12 को घटाएंगे तो हमें 16 प्राप्त होगा। जब x बराबर हम 9 लेंगे तो विज्ञान के अंक हमें उसमें 28 ऋण x रखने पर 28 ऋण 9 बराबर 19 प्राप्त हुआ। इसलिए जब मोहन को गणित में 12 अंक मिले हो तब विज्ञान में
उसके प्राप्तांक सोलह होंगे या उसे गणित में नौ अंक मिले हो तब विज्ञान में विज्ञान के प्राप्तांक विज्ञान के प्राप्तांक 19 होंगे। तो यह हमारे उदाहरण का हल है।